हमारे चैप्टर नंबर 8 का जो सबसे लास्ट टॉपिक है वो है इंटरनेट एंड साइबर स्पेस। ये क्या है इंटरनेट, क्या है साइबर स्पेस, इसको पढ़ेंगे हम इस टॉपिक में एक एक पॉइंट के साथ डिटेल में जाकर। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है साइबर स्पेस इज द वर्ल्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटराइज्ड स्पेस। देखो साइबर स्पेस ये कौन सी दुनिया की बात हो रही है, जो इंटरनेट की दुनिया है, जो वायरलेस कम्युनिकेशन की दुनिया है, इसको साइबर स्पेस कहा जाता है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर पूरा इंटरनेट आपको भरा हुआ मिलेगा, ना 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 ना। देखो इंटरनेट की दुनिया, हम अपने मोबाइल फोन को खोलते हैं, उसमें वेब ब्राउजिंग की हेल्प से हम दुनिया की किसी भी चीज को वहां पर मोबाइल पे देख लेते हैं। तो ये दुनिया जो है ना इंटरनेट की, जो इंफॉर्मेशन की दुनिया है, जो इंटरनेट से हमें हर इंफॉर्मेशन मिल जाती है, हम मैसेजेस को ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये इंटरनेट की दुनिया को क्या बोला जाता है, साइबर स्पेस बोला जाता है इसको। देखो एक दुनिया वो है जिसको हम आंख खोल करके बाहर देखते हैं, अपने आसपास सराउंडिंग्स में देखते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को देखते हैं। दूसरी दुनिया वो है जो हमें मोबाइल फोन के अंदर देखती है। तो मोबाइल फोन के अंदर वाली जो वर्चुअल दुनिया है उसको साइबर स्पेस या फिर इंटरनेट कहा जाता है। इट इज द इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल वर्ल्ड फॉर कम्युनिकेटिंग एंड एसेसिंग इंफॉर्मेशन ओवर कंप्यूटर नेटवर्क्स विदाउट फिजिकल मूवमेंट ऑफ द सेंडर एंड द रिसीवर। देखो साइबर स्पेस या फिर साइबर वर्ल्ड क्या है, हम अपने मोबाइल फोन के अंदर या फिर हम अपने डिजिटल डिवाइसेस के अंदर जो दुनिया भर की इंफॉर्मेशन को देख लेते हैं। देखो यहां पर इंफॉर्मेशन शेयर तो होती है बट विदाउट द फिजिकल मूवमेंट ऑफ रिसीवर एंड सेंडर। जो इंसान इंफॉर्मेशन को भेज रहा है और जो रिसीव कर रहा है वो अपनी जगह पर बैठे हुए हैं, वो हिलते नहीं है जगह से, ट्रांसफर सिर्फ क्या हो रही है, इंफॉर्मेशन। तो ये जो वर्चुअल या फिर ये जो इंटरनेट बेस्ड सिस्टम ऑफ इंफॉर्मेशन है इसको हम साइबर वर्ल्ड कहते हैं, इसी को हम इंटरनेट कहते हैं। समझ गई बात को। देखो फिजिकल दुनिया में क्या होता है, हमने किसी को एक चिट्ठी लिखी, वो रिसीवर के पॉइंट से चलना शुरू करेगा और कुछ दिनों के बाद जाकर के वो कहां पहुंचेगा, रिसीवर तक। वो थी फिजिकल मूवमेंट ऑफ द इंफॉर्मेशन। लेकिन ये साइबर वर्ल्ड में क्या होता है, तुम अपने मोबाइल फोन से एक बंदे को मैसेज लिख लेते हो और रिसीवर तक वो मैसेज पहुंच जाता है, तुम अपनी जगह पर बैठे रहते हो। तो ये जो वर्चुअल दुनिया है ना इंटरनेट की दुनिया, यही है साइबर स्पेस, यही है साइबर वर्ल्ड। इंटरनेट पूरी दुनिया की जो सिस्टम है उनको आपस में इंटरकनेक्ट कर दिया गया है। तो हर एक सिस्टम दुनिया के हर दूसरे सिस्टम तक इंफॉर्मेशन को भेज सकता है, वहां से रिसीव कर सकता है, साइबर वर्ल्ड है ये। थर्ड पॉइंट इसके अंदर, एज बिलियंस यूज द इंटरनेट ईच ईयर, साइबर स्पेस विल एक्सपेंड द कंटेम्पररी इकोनॉमिक एंड सोशल स्पेस ऑफ ह्यूमंस थ्रू ईमेल, ई कॉमर्स, ई लर्निंग एंड ई गवर्नेंस। देखो ये सारे इसके ब्रांच या फिर ये सारी इसकी सब टाइप्स हैं। इंटरनेट के हाथ से कौन कौन से काम हम करते हैं, देखो यहाँ पर लिखा है ईमेल। इंफॉर्मेशन भेजनी है तो हम ईमेल कर लेते हैं, दुनिया के किसी भी हिस्से में कर लो, नैनो सेकंड के अंदर वो वहां तक पहुंच जाएगा। दूसरी बात ई कॉमर्स, दुनिया भर का जो व्यापार है वो आज ई कॉमर्स बेस्ड हो गया है, इंटरनेट बेस्ड हो गया है। समझ गए बात को। हम सारी शॉपिंग ऑनलाइन घर बैठे कर लेते हैं, हमें कोई चीज़ बेचनी है तो हम घर बैठ के बेच लेते हैं। तो ये सारा कुछ किसकी हेल्प से पॉसिबल हो पाया है, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट एंड इंटरनेशनल कनेक्टिविटी। इसके साथ साथ ई लर्निंग, दुनिया भर के जो टीचर्स हैं, जो बड़े बड़े ट्रेनर्स हैं, वो क्या करते हैं, घर बैठ करके विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट वो लाइव लेक्चर्स देते हैं, दुनिया भर के किसी भी हिस्से में वो किसी को पढ़ा लेते हैं और किसी भी हिस्से से बच्चे बैठ के पढ़ लेते हैं। ये सारा किसकी वजह से पॉसिबल हुआ है, साइबर स्पेस और इंटरनेट की वजह से। और आगे इसमें लिखा है ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस क्या है, गवर्नमेंट की जितनी भी सर्विसेज हैं, जो भी फैसिलिटीज हैं, जो भी सर्वेज हैं, वो सारे के सारे इंटरनेट बेस्ड हो जाते हैं। पहले जमाने में क्या होता था कि गवर्नमेंट को कोई किसी जगह की इंफॉर्मेशन लेनी होती थी, वो क्या करती थी, उस एरिया में अपनी टीम्स को भेजती थी, वहां पर डोर टू डोर सर्वे किया जाता था, फिजिकल मूवमेंट होती थी लोगों की, इंप्लॉयज की, फिर जाकर के वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती थी। आज क्या होता है, गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर एक फॉर्म निकल के आ जाएगा कि सारे लोग इस फॉर्म को फिल कर लेंगे, उनकी क्या चॉइसेस हैं, उनकी क्या प्रेफरेंसेस हैं, वो क्या चाहते हैं, एक सर्वे करके पूरा ऑनलाइन। जो गवर्नमेंट है वो अपने ऑफिस में बैठी हुई है और जो पब्लिक है वो अपने घर पे बैठी हुई है, और एक इंटरनेट की हेल्प से एक फॉर्म फिल किया जा रहा है, जिस फॉर्म के अंदर पूरा सर्वे करके पूरा डेटा गवर्नमेंट के पास पहुंच जाता है, ई गवर्नेंस है ये। तो ठीक है, दुनिया भर की जो सर्विसेज हैं वो गवर्नमेंट आज इंटरनेट बेस्ड दे रही है। गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर जाकर के आप पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हो, आप दुनिया भर की फैसिलिटीज ले सकते हो, ये सब साइबर स्पेस है। ठीक है, साइबर वर्ल्ड है, इंटरनेट की दुनिया है। तो ये सारे काम पॉसिबल हुए किसकी वजह से, विद द हेल्प ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द इंटरनेट। और सबसे लास्ट के जो पॉइंट है इस टॉपिक के अंदर वो है, इंटरनेट टुगेदर विद फैक्स, टेलीविजन एंड रेडियो विल बी
एक्सेसिबल टू मोर एंड मोर पीपल, कटिंग अक्रॉस प्लेस एंड टाइम। देखो इंटरनेट के साथ साथ कुछ और भी चीजें हैं, फैक्स है इसके अंदर, टेलीविजन है, रेडियो है, ये भी दुनिया को आपस में कनेक्ट करने का काम करते हैं। बट इन सबसे ज्यादा जो दुनिया को जोड़ने का काम करता है वो कौन सा है? वो है इंटरनेट या फिर साइबर स्पेस। सबसे ज्यादा लोग इस मोड के साथ कनेक्टेड हैं रादर देन टीवी, रेडियो एंड फैक्स। समझ गए? तो ये था हमारा चैप्टर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट में चार मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात की थी, एयर, वाटर, लैंड एंड पाइपलाइंस। और कम्युनिकेशन में मैंने आपको बताया वायर्ड कम्युनिकेशन एंड वायरलेस कम्युनिकेशन। वायरलेस में साइबर स्पेस एंड इंटरनेट और साथ में सैटेलाइट कम्युनिकेशन। ये कुछ हमारे टॉपिक्स थे इस चैप्टर के अंदर। कोई डाउट अगर आपको रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में आकर के अपना कमेंट पोस्ट कर सकते हो।